नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एस नगरी पर दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर में हमने 16 महाजनपदों में से 11 महाजनपदों में बात की थी जो कि शेष पांच महाजनपद बचे हैं उनकी आज चर्चा की जाएगी तो जो बारहवा महाजनपद है वो है गांधार अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो यह इसका क्षेत्र दो देशों में बटा हुआ था एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर ज़िले में ठीक है आधुनिक पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर ज़िले और अफग़ानिस्तान के पूर्वी अफगान अफग़ानिस्तान में अगर बात करें तो पूर्वी अफ़गानिस्तान के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं ठीक है तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ थे रावलपिंडी और पेशावर ज़िलों में और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ भाग सम्मिलित हैं ठीक अगर इसके राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला ठीक है इसकी राजधानी क्या थी इसकी राजधानी थी तक्षशिला जो कि प्राचीन काल में व्यापार और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी ठीक है जो कि प्राचीन काल में व्यापार और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी आपको बता दें छठी शताब्दी पूर्व में यहाँ एक प्रसिद्ध शासक पौस्का पौस्कर सारिन जिसने अवंती नरेश चंड प्रख्योत को पराजित किया था आपको हमने जब अवंती पढ़ाया था तो हमने उसमें बताया था कि चंड प्रख्योत को किसने पराजित किया था गांधार के शासक पॉस्कर सारण ने ठीक है पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध व्याकराचार्य हुए थे जिनका नाम था पाणनी ये कहाँ के रहने वाले थे ये गांधार के ही रहने वाले थे जिन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अध्यायी ठीक है क्या नाम था अध्यायी ठीक इसके इस पर एक टीका ग्रंथ की रचना की गई थी महाभाष नामक ठीक है दूसरे शताब्दी में इस पर एक टीका ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था महाभाष्य ठीक किसने की थी महाश्री पतंजलि ने ठीक है जो कि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे ठीक क्या व्याकराचार्य जो थे एक प्रसिद्ध व्याकराचार्य पाणनी ये कहाँ के रहने वाले थे गांधार के इन्होंने एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसी पर एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टीका ग्रंथ की रचना की गई जिस जिसका नाम था महाभाष्य और ये रचना किसने की महाश्री पतंजलि ने ये कौन थे पुष्मित्र सुंग के पुरोहित थे ठीक गांधार की राजधानी तक्षशिला में भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय भी था ठीक है गांधार की राजधानी तक्षशिला में भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जो कि कौशल नरेश प्रसेंजित ने तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण की थी आपको हमने बताया था कौशल जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कौशल नरेश प्रसेंजित ने तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण की थी और बिमसार का राजवैद जीवक जो कि राजगृह की एक प्रसिद्ध गणिका गणिका होते हैं गणिका किसे कहते हैं गणिका जो देवदासी होती हैं उनको गणिका कहा जाता है ठीक है तो सालवती का पुत्र था जिनका नाम सालवती था ठीक है का पुत्र था ये कौन जीवक ठीक किस इच्छा दीक्षा भी तक्षशिला में हुई थी ठीक है किस इच्छा दीक्षा कहाँ हुई थी तक्षशिला में हुई थी ये कौन थे जीवक एक राजवैद थे ठीक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और भारत के माइकिया वैली माइकिया वैली कौन है कौटिल्य ठीक है माइकिया वैली के भारत के माइकिया वैली कौन है कौटिल्य हैं कि शिक्षा दीक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही हुई थी ठीक है गांधार का दूसरा प्रसिद्ध नगर पोखरवती या पुष्प कलावती था ठीक है इसका गांधार का दूसरा प्रसिद्ध नगर पोखरवती या पुष्पकलावती था जो कि पेशावर से 25 किलोमीटर दूर वर्तमान चरसद्दा था ठीक है ये चरसद्दा एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में है तो चरसद्दा कहाँ था पेशावर से 25 किलोमीटर दूर ठीक है इस गांधार महाजनपद को फारस के आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा था ठीक है गांधार महाजनपद जो है इस पर फारस के आक्रमणकारियों का इसे शिकार होना पड़ा था आपको बता दें कि सर्वप्रथम भारत पर जिन विदेशी सर्वप्रथम भारत पर जिन विदेशियों का आक्रमण हुआ था उसमें सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ था और कहा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरफ मध्य गांगे क्षेत्र में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था वहीं भारत के पश्चिम वहीं भारत के उत्तर में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम के नेतृत्व में ईरानियों का भी आक्रमण हो रहा था जिसमें गांधार और कंबोज दोनों ऐसे जनपद थे दोनों ऐसे महाजनपद हैं जो कि मौर्य काल के पूर्व मगर साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन सका था और ये दोनों महाजनपद किसके आक्रमण हुए थे फारस के आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा इन्हें ठीक है अब बात करते हैं अगले महाजनपद की अगला महाजनपद है हमारा कम्बोज अगला महाजनपद है कम्बोज जो कि भारत के कश्मीर प्रदेश ठीक है भारत के कश्मीर प्रदेश और पाकिस्तान के उत्तरी सीमा प्रांत को कम्बोज कहा जाता है ठीक है भारत के कश्मीर प्रदेश और उत्तरी सीमा प्रांत को क्या कहा जाता है कम्बोज कहा जाता है इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी हाटक या राज्यपुर इसकी राजधानी क्या थी हाटक या राज्यपुर पहले यह राज्य जो है राजतंत्र था किंतु बाद में यह गणतंत्र में परिवर्तित हो गया पहले यह राज्य कैसा था राजतंत्र था बाद में यह किस परिवर्तित हो गया गणतंत्र में राजतंत्र बता दें आपको राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन का प्रधान जो होता है वो वंशानुगत होता है ठीक है राजतंत्र में शासन का प्रधान जो होता है वो वंशानुगत होता है ठीक कंबोज में संभवतः कृषकों पशुपालकों व्यापारियों तथा सैनिकों का राज्य था ठीक है कंबोज में किसका राज्य था कृषकों पशुपालकों व्यापारियों तथा सैनिकों का गांधार की ही तरह इस महाजनपद को भी किसका शिकार होना पड़ा था फारसियों का ठीक है गांधार की ही तरह इस महाजनपद को भी फारसी का शिकार होना पड़ा था अब अगला महाजनपद हमारा है वज्जी यह गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाजनपद था ठीक है और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो वज्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो गंगा के उत्तर में था और नेपाल के तराई तक विस्तृत था ठीक है यह क्षेत्र जो है इसका गंगा के उत्तर में था और नेपाल के तराई तक विस्तृत था ठीक है राहुल के संस्कृत आयन के अनुसार इसमें आधुनिक बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर व चंपारण जिले ठीक है आधुनिक बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर तथा चंपारण जिले तथा दरभंगा व सारण ठीक है तथा दरभंगा व सार जिलों के कुछ भाग सम्मिलित हैं ठीक है वज में आठ गणराज्य थे जिन्हें अटकुलिक कहा गया ठीक है वज्र संघ में कितने गणराज्य थे आठ गणराज्य थे जिन्हें कुलिक कहा गया और अगर इस संघ के सबसे शक्तिशाली गणराज्य की बात करें तो वो कौन थे वैशाली के लिच्छुओं का था ठीक है और ये कैसे थे ये क्षत्रिय थे ये कौन थे ये क्षत्रिय थे और इस राज्य के राजधानी क्या थी वैशाली थी इस जिसका अभिज्ञान हमें मुजफ्फरपुर जिले के गंटक नदी के तट पर स्थित बषाण नामक स्थान से किया गया है ठीक वहीं विधेय की अगर बात करें तो विधेय जो है वो पूर्व काल में एक साम्राज्य था जो अपने दार्शनिक सम्राट जनक के समय अत्यंत शक्तिशाली व सुप्रसिद्ध हो गया था ठीक है जो कि अपने दार्शनिक सम्राट जनक ठीक है दार्शनिक सम्राट कौन थे जनक के समय अत्यंत शक्तिशाली व सुप्रसिद्ध हो गया था यह राजश्री जनक और यागवल के नेतृत्व में वैदिक संस्कृति का महान केंद्र भी बना ठीक है और यहाँ के अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम सम्राट थे यहाँ के कराल या कलार ठीक कला करार या कलार ठीक कौन थे कलार ठीक ये यहाँ के अंतिम शासक थे कराल या कलार ठीक बाद में इस कड़राज्य को अजाशत्रु ने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था ठीक है अब आगे बात करते हैं अगले महाजनपद की अगला महाजनपद है हमारा मल्ल तो राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन का प्रधान वंशानुगत होता है ठीक है राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन का प्रधान वंशानुगत होता है ठीक वहीं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले महाजनपदों में वज्जी के अलावा दूसरा महाजनपद मल था ठीक है हमने आपको बताया था वज्र दो महाजनपद थे हैं, जो कि किस पर आधारित हैं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पर कौन कौन से एक वज्र और एक मल तो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले जो महाजनपदों में वज के अलावा दूसरा महाजनपद कौन था मल था ठीक मल्लों का राज पहले राजतांत्रिक था परंतु वह गणतंत्र में प्रवर्तित हो गया ठीक है मल्लों का राज जो था पहले राजतांत्रिक था लेकिन बाद में यह किसमें परिवर्तित हो गया गणतंत्र में कब महात्मा बुद्ध के समय ठीक कब परिवर्तित हुआ महात्मा बुद्ध के समय यह भी आठ राज्यों का एक संघ था जिसमें कुशीनगर और पावा के मल काफ़ी प्रसिद्ध थे जिसमें कुशीनगर और पावा के मल क्या थे काफ़ी प्रसिद्ध थे वहीं कुशीनगर की पहचान जो है वो गोरखपुर जिले के काशिया नामक गांव से ठीक है वहीं कुशीनगर की जो पहचान है वो गोरखपुर जिले के काशिया नामक गांव से जबकि कनिंगम महोदय ने पावा की पहचान आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में स्थित पजरौना नामक स्थान से की है ठीक तो कुशीनगर की पहचान किससे होती है गोरखपुर जिले के काशिया नामक गाँव से वहीं अगर पावा जिले पावा की बात करें तो पावा की पहचान किससे होती है देवरिया जिले के पजरौना नामक स्थान से ठीक है इन दोनों की जो शाखाएं थी वो आसपास ही स्थित थीं इन दोनों की शाखाएं जो थीं वो आसपास ही स्थित थीं महात्मा बुद्ध के जो दो शिष्य हुए थे आनंद और उपाली वो मल्ल ही थे महात्मा बुद्ध के जो दो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली वो कौन थे मल्ल ही थे ये मल्ल वीर और युद्धप्रिय थे ठीक है ये मल्ल कैसे थे वीर और युद्धप्रिय थे तथा जैन और बौद्ध मतों के अनुयायी और समर्थक भी थे ठीक है तथा ये जैन तथा बौद्ध मतों के अनुयायी और समर्थक भी थे ठीक उपाली पहले जो थे वो जैन धर्म को मानते थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म को अपना लिया ठीक है उपाली जो थे पहले किसको मानते थे जैन धर्म को मानते थे लेकिन बाद में किसे अपना लिया बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के क्या हो गए उपासक हो गए पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजाज शत्रु ने मल को पराजित किया ठीक है पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के नरेश अजात शत्रु ने मल को पराजित किया और इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया ठीक है किसने पराजित किया अजात शत्रु ने ठीक है और इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया क्यों क्यों इस पर हमला हुआ था क्योंकि इसने राज्य ने वज्र संघ के अजाज शत्रु के आक्रमण के समय इसकी सहायता की थी आपको हमने बताया था कि अजाज ने किसको अपने उसमें मिलाया था वज्र जनपद को ठीक है वज्र गणराज को अपने में मिला लिया था उस समय किसने इसकी सहायता की थी वज्र की मल महाजनपद ने ठीक है तो इसलिए अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण कर इसे अपने में मिला लिया मगध साम्राज्य में मिला लिया अब बात करते हैं अगले महाजनपद की अगला महाजनपद है हमारा मगध ठीक है सोलह महाजनपदों में मगध महाजनपद जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली था ठीक है सोलह महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था वो क्या था सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसने अन्य महाजनपदों की तुलना में अपनी श्रेष्ठा को साबित कर अपने को एक विशाल साम्राज्य के रूप में तब्दील कर लिया था ठीक है इसने अन्य महाजनपदों की तुलना में अपनी श्रेष्ठा को स्थापित कर एक विशाल साम्राज्य के रूप में अपने को तब्दील कर लिया था अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है वो दक्षिणी बिहार के पटना और गया जिलों के क्षेत्र में सम्मिलित था ठीक है इस महाजनपद का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी बिहार के पटना और गया जिलों में के क्षेत्रों में सम्मिलित था ठीक इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती थी ठीक है इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी ठीक प्रवाहित होती थी मगध शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है अर्थर्वेद में ठीक है मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है अर्थर्वेद से मिलता है अगर इसके आरंभिक राजधानी की बात करें तो इसके आरंभिक राजधानी थी ग्रीवरज हमने आपको बताया था मगध जन महाजनपद की दो राजधानियाँ थी राजगृह और पाटलिपुत्र ठीक है इसकी राजधानी जो थी आरंभिक राजधानी वो ग्रीवरज थी ठीक है रामायण में वसुमती कहा गया है जिसे रामायण में क्या कहा गया है वसुमती कहा गया है ठीक है और इस का श्रेय किसे जाता है वशु को जाता है ठीक है इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है वशु को जाता है ठीक है प्रकृति द्वारा संरक्षित और पर्याप्त जल की विद्वानता के कारण ही इसे राजधानी बनाया गया था ठीक है प्रकृति द्वारा संरक्षित और पर्याप्त जल की विद्वानता के कारण ही इसे राजधानी बनाया गया था परंतु यह नगर गंगा के उत्तर में व विद्वान वज्र संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था ठीक है परंतु यह गंगा के उत्तर में विद्यमान वज्र संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था इस पर क्या था राजगृह था ठीक है इस पर राजगृह थी ठीक इस पर क्या थी राजगृह थी जो कि पांच पहाड़ियों से घिरी थी कौन कौन सी वहार वारा वृषभ लिसीगिरी और चैतियक कौन कौन से पांच पहाड़ियाँ थी <coughs> वैहार वारा वृषभ विशिगरी और चैतियक, ठीक आपको बता दें वैहार जो है यहीं पर सप्तपर्णी की प्रसिद्ध गुफा भी है ठीक है यहीं पर सप्तपर्णी की प्रसिद्ध गुफा भी है जो कि वैहार पर्वत पर ही थी ठीक है जो कि वैहार पर्वत पर ही स्थित थे और यहाँ पर प्रथम बौसंगीतिक भी आयोजित हुई थी और यहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगति भी आयोजित हुई थी ठीक है आपको बता दें महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय मगध का शासक जो था वो बिम्बसार था महाभिनिष्क्रमण क्या है महाभिनिष्क्रमण हमने आपको बताया था कि जो महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग उन्होंने किया था उसी को क्या कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था ठीक है और मौर्य वंश के पहले भी मगध में क्रमशः हरियक वंश शिशुनाग वंश व नंदवंश का शासन था जिसके संस्थापक क्रमशः बिम्बसाह शिशुनाग व महापदम नंद थे ठीक है जिसके संस्थापक क्रमशः भेम्बसाह शिशुनाग और महापदम नंद थे तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही आगे हम हरियक वंश शिशुनाग वंश और नंदवंश पर चर्चा करेंगे यहीं से मगध जो है वो ख़त्म हो जाएगा मगध साम्राज्य और सोलह महाजनपद फिर इसके आगे हम बात करेंगे मौर्य ठीक है इसके बाद में बात करेंगे हम मौर्य वंश तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो किस पे होगा हरियक वंश शिशुनाग और नंदवंश पे. ठीक तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में